एक्सपीरियंस में एलियन से? नहीं, पर शायद कोई हो भी सकता है। यूरेनस? ओ, क्या कहती हो? मुझे विश्वास नहीं होता कि कोई प्लैनेट्स है और इसपे एलियंस भी हो सकते हैं। ये बहुत मजाकिया है। पर तुम खुद ही सोचो, करीब 100 जनों ने यूएफओ को हर साल देखा है और एलियंस को उठाने की कहानियाँ भी सुनी है। वो सब कहानियाँ झूठी नहीं हो सकती। No way! देखा, एलियट मेरी बात से सहमत। कम प्रोटीन लेने से इंसान की परफॉर्मेंस कम हो जाती है। ऐसा क्यों मुझे कहा गया? अच्छा तो तीनों सुनो, सोने का टाइम हो गया है। आंटी केले, क्या आप जानती हैं कि आंटी डरती है कि एलियन आ जाए? मैं नहीं डरती हूँ। मम्मी, क्या आप विश्वास करती हैं एलियंस में? वेल, ये अच्छा सवाल है तुम्हारा। क्या तुम विश्वास करती हो एलियंस में? हाँ, मैं तो विश्वास करती हूँ। उनकी तो आवाज़ें भी आती हैं, जैसे कि वो मुझसे बातें करना चाहते हैं। यही तो पहली निशानी है उनके होने की। चलो फिर शर्त लगाते हैं, एलियन जैसा कुछ होता ही नहीं है। चलो अच्छा होगा कि तुम सो जाओ। ओ, तुम उनको छोड़ो बेटा, क्या तुम एलियंस में भरोसा करती हो? तो तुम अपने भरोसे को कायम रखो और किसी की मत सुनो। अरे फिर से एलियंस के बारे में बात करने लगी क्रेजी एंडी। इसमें कोई नुकसान नहीं है। तुम पागल हो? तुम अगर ऐसे ही बातें करते रहोगी तो आखिर में उसे साइको वार्ड में भर्ती करना पड़ेगा। तुम ये सब छोड़ो और उसे पॉप म्यूजिक वगैरह में इंटरेस्ट दिलाओ। पॉप म्यूजिक में वो नए बैंड टैस्मानिया के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? बहुत इंटरेस्टिंग है ना, सुपर म्यूजिक। एलियंस तो होते नहीं है, सब मान गए है, तो मैं जीत गया। सुनो एंडी, तुम अपने कजिन की तरह क्यों नहीं बनती हो? क्या वो हमारे कमरे में सोएगा? सिर्फ एक रात की बात है बेटी। और हाँ, हमें काफी बिस्तर वाली जगह मिल गई है। तुम्हारे लिए अच्छा लग रहा है। गुड नाइट स्पेस गर्ल। गुड नाइट आंटी केली। गुड नाइट केट। गुड नाइट एलियट। टेनिस सुनाना तुम सबने, लाइट ऑफ करो और सो जाओ तुम सब। और एंड्रिया, उस ग्रीन मैन के बारे में बात ही नहीं करना जब तक की वो लोग आयरिश न बोले, समझ गए? नहीं तो तुम्हें अंजाम भुगतना पड़ेगा पृथ्वी वासियों। गुड नाइट अंकल डैनी। गुड नाइट बच्चों। दिमाग खराब कर दिया। वो मेरे कजिन का बैंड है मेरे दोस्त। क्या बदकिस्मती है दोस्त, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ। बाउंसर को अंदर जाने के लिए रोकना चाहिए, न कि बाहर, समझे? चल भाग यहाँ से। सी यू। मैं दोबारा नहीं आना चाहता। Till it's no more. You'll come a while, sing until the wind blows.
हमारी तरफ से था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ये देखने आए। हम लोग टाइटेनियम टर्टल्स हैं और हम लोग अपनी लेटेस्ट सीरीज को साइन करने वाले हैं। वो बार में उपलब्ध है, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। वो हमारी तरफ से गिफ्ट है। लेकिन जाने से पहले मैं एक फाइनली अच्छी थॉट देती हूँ। एलियंस मौजूद हैं। जब मैं 10 साल की थी, एक उड़ता हुआ सॉसर मेरे घर की तरफ आया और उसने मुझे दूसरी दुनिया की पावर के बारे में दिखाया। बस थोड़ी दिनों की बात है वो वापस आएंगे और जब वो होगा तो मैं एंड्रिया गिब्सन, जिस अकेले के पास ये पावर होगा उन्हें रोकने का और इंसानों को बचाने का। गुड नाइट ब्रिस्बेन। खैर कंग्रेचुलेशन एंडी, हमारे पूरे ऑडियंस को एलियंस के बारे में बताने के लिए। तुम्हारा मतलब उससे है जो मेरा फ्रेंड या रिलेटिव नहीं है? चलो 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 यहाँ से। एंडी तुम्हारा क्लोजिंग स्पीच हमेशा साइकिक पावर्स और एलियंस के बारे में रहता है, इसलिए कोई हमारे शो में नहीं आता है। स्टिक्स, मेरी जो आखिरी स्पीच है उसी की वजह से हम लोग दूसरों से अलग हैं। हजारों दूसरों के बैंड से जो अपना नाम कमाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम भी कामयाब होना चाहते हो? हाँ, मैं इसके बारे में सोचूंगा। सही कहा, और ये तभी मुमकिन है अगर हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजों में इंटरेस्ट लेंगे, और एलियंस मौजूद हैं ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है। वो हो सकते हैं, उसमें सच्चाई हो तो। वो बिल्कुल रियल है, भरोसा करो, उस ट्री की तरह। वो तो नकली है। पर है तो सही, ये कोई नकली पेड़ नहीं है स्टिक्स। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आज रात एक बहुत अच्छा शो है। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ और तुम्हारे सारे शो देखे हैं, और आज के शो से तुम टॉप 20 में पहुँच जाओगे। पिछले हफ्ते मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गया था जब तुम लोग बैटल ऑफ बैंड्स में हार गए थे। वो क्या था, टैस्मानिया? वो कैसे बेस्ट न्यू बैंड जीत सकते हैं? वो तो 17 साल से इधर उधर घूम रहे हैं। उसके बारे में बताओ। ठीक है, मैं वहाँ रहूँगा। जब तुम तैयार हो जाओगे तो तुम मुझे बुलाना, मैं आ जाऊँगा। ओके, तुमने अपने डैड को यहाँ दोबारा क्यों बुलाया? मेरे पीछे आ गए हैं वो। वैसे भी हमें खाली सीटें भरनी हैं। डैड हमेशा ही असंतुष्ट रहते हैं स्टिक्स, असंतुष्ट। तुमने कभी देखा है मेरी फैमिली को मेरा पीछा करते हुए? आइसिस। हे एलियट। बहुत मजा आया आज शाम को। वैसे मुझे थोड़ा सा शक है कि वो ड्राई आइस मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्शन देगा, इसीलिए मैंने अपने लिए दवाइयाँ रखी है, समझी? अच्छा प्लान है। केत कहाँ है? जहाँ बाउंसर्स हमेशा रहते हैं एलियट। वो 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 वो, यहाँ पियकड़ों के लिए जगह नहीं है। हे केत। जॉन, तुम्हें क्या हो गया? तुमने पूरा गिग मिस कर दिया। जानबूझकर नहीं किया, मैं कार में अपने आप को बंद कर दिया और बाहर नहीं निकल पाया। क्या वो अभी भी मुमकिन है? मैंने सिर्फ 2 घंटे में 1 क्रेट रम पिया और कुछ नहीं। पता नहीं तुम क्या सोचो, लेकिन मेरी लिए ठीक है। अब मैं अपने लिमिट जानता हूँ। हाय कैम, उसे शूट करने के लिए धन्यवाद। फ्रेंड्स होते किस लिए हैं? तुम्हें सब कुछ मिला? हाँ मिल गया, पर पता नहीं किसी को समझ में आएगा कि मैंने क्या शूट किया है। ओके। बात क्या है? कुछ नहीं। ओ अच्छा, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। मैं इस काम को सीरियसली लेना चाहती हूँ एंडी। मैं कुछ सीरियस डॉक्यूमेंट्रीज बनाना चाहती हूँ, पर आजकल तो मीनिंगलेस और बकवास डॉक्यूमेंट्रीज ही बन रही हैं, जो कि बिल्कुल बोरिंग और यूजलेस होती है, समझी? फिर भी अच्छा लगा तुम इन सब चीजों से ब्रेक लेकर यहाँ पर आई हो। अब तो जाने का वक्त हो गया जॉन, तुमने मिस कर दिया शो को। और अब क्यों आए हो इन सीरीज को साइन करने के लिए? तुम तो इनमें हो भी नहीं, क्योंकि तुम रिकॉर्डिंग के वक्त नहीं थे। मैं यहाँ सिर्फ अपने फैंस के लिए आया हूँ। हे जॉन, बहुत मजा आया आज रात को। यह आज शाम को हमारे साथ था ही नहीं है लिए। तो तुम कहाँ थे? मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। आज क्या बजा रहे हो? फ्लूट। सही कहा, वैसे भी तुम वही जानते हो। मैं तो कई गाने जानता हूँ जिसमें फ्लूट होता ही नहीं है, जैसे वो सारे गाने। जॉन तुम ठीक तो हो ना? सीशेल्स, सीशेल्स। मुझे ताजी हवा चाहिए। तो तुम और एंडी प्राइमरी स्कूल से फ्रेंड्स हो? 6th स्टैंडर्ड से फ्रेंड्स है। तो तुम्हें एंडी ने बताया होगा कि मैं बचपन से एक कामयाब बॉक्सर हूँ, लगातार 6 टाइटल्स जीते मैंने, और वो भी 14 साल के अंदर ही। तो कोई इतने खास नहीं थे तुम? या वो मुझे बुलाया करते थे कीत, चीफ शॉट विन, और जिसके लिए मैं बहुत फेमस था वो है फालसेरो सिलेरो।
मैं अपने सामने वाले को पीछे से पकड़ने का मौका दिया करता था, फिर बूम राइट से पकड़ के उसे मुक्का मार दिया करता। क्या बात है, तुम्हें तो दरवाजे पे पहरा देना चाहिए ना। ओह शिट, कम से कम 1000 किस्म के बैक्टीरिया हैं जो आपके बेली बटन के नीचे रहते हैं और वो कहीं नहीं रहते। सॉरी, क्या मैं अपने भाई को थोड़ी देर के लिए ले जा सकती? क्यों नहीं? कितने इंटरेस्टिंग इंसान हैं। क्या तुम्हें पता है किस चीज के डैड तुम्हारे हर शो में आते हैं मेरी तरह, और उनको एलियंस में दिलचस्पी है। तुम ये क्यों कर रहे हो? क्या गलती है इसमें? क्या गलती है? तुम क्यों इकट्ठा कर रहे हो पूरे साउथ ब्रिस्बेन को? तुम किसी के डैड के साथ क्यों बहस में लगे हो? शायद तुमने नोटिस नहीं किया है कि इस पब में और भी लोग हैं जिनकी जिंदगियां खत्म नहीं हुई हैं। तुम कैम के साथ जाके बात क्यों नहीं करते? कैम? मगर वो लड़की। तुमने ठीक कहा, तो फिर एक गोली खा लो और जाके बात करो। तुमने कहा था कि वो गोली असली नहीं, नहीं है। देखो तुम जाके बहस करके तो देखो। मगर क्या? मुझे नहीं पता, वो फिल्में बनाती है, जाके उसे कैमरे के बारे में पूछो। एक्चुअली मैं उसके पास जाके उसके कैमरे के बारे में डिटेल में पूछता हूँ। हाँ तुमने ठीक कहा, अब तुम खुल गए हो, अब जाओ वहाँ पर। मुझे एक फुंसी है, पता है मेरे टांगों के बीच। उसका एक नाम होता है। नहीं 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 नहीं, वो एक्चुअली एक फुंसी है, मुझे परेशान करती है एक्चुअली। हाँ मेरे टांगों के बीच में ही है, मैं उसे ठीक से देख भी नहीं पा रहा हूँ। ओह परेशानी है? हाँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारा कैमरा ले लूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि मैं तो थोड़ा सा देख सकूँ क्या हो रहा है अंदर। ठीक है, मैं वादा करता हूँ मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए तुम्हारा कैमरा यूज करूंगा, और जब मेरा काम हो जाएगा मैं रिवाइंड करके तुम्हें दे दूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है, मुझे सिर्फ पता लगाना है। अच्छा एक बात है, मुझे $50 दे दो और ये कैमरा तुम्हारा पूरी रात के लिए। डील रही। इसके बाद दोबारा कभी भी नहीं पीऊंगा। वो आ गए हैं। इस पे तुम ऑटोग्राफ दे दो, ये बहुत है, क्योंकि ये सीडी केसेस बहुत महंगे हैं, 75 सेंट्स ईच। जॉन तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। यही है सब कुछ, दुनिया का खात्मा। मैंने सोचा नहीं था कि दुनिया खत्म हो जाएगी। अगर इसे दुनिया खत्म हो गई नहीं कहते हैं, तो मैं चाहूंगा कि कोई ना कोई जरूर इसे कैमरा में उतारे।
कैमरा स्टार्ट हो गया है, मैं कैमरा को यहाँ रखता हूँ और अब पहला कदम कपड़े उतारना। कहाँ है एलियन? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या तुम एलियन हो? सुनो, एलियंस ने अटैक कर दिया है सिटी में, आकर देखो। यानी एलियंस ने अटैक किया आउटर स्पेस में? नहीं, एलियंस टागबोट आइलैंड से, बिल्कुल आउटर स्पेस से हैं ये एलियंस। पैंट पहनो और बाहर जाओ। मुझे अभी अभी एसएमएस आया है डैड से। एंडी, तुम्हारी मम्मी को एलियंस ने किडनैप किया है, घर मत आना। एक्सो एक्सो डैडल्स। हे भगवान, हमारी मम्मी को किडनैप कर दिया, क्या वो मम्मी को मार देंगे? बिल्कुल। हम आपको यहाँ पर रोकेंगे क्योंकि जैक विलियन आपको एक खबर देने वाली है। ब्रिस्बेन सिटी में एलियंस ने अटैक कर दिया है, पूरे देश की मिलिट्री को बुलाया गया है इस खतरे से बचने के लिए। ब्रिस्बेन के वासियों को बताया गया है कि वो घर के अंदर ही रहें और जिनको नुकसान हुआ है उन्हें बाहर निकालें ASAHP के द्वारा, और एच है ह्यूमैनिटी के लिए। मैं डैडी को कॉल करती हूं। पता चला है कि दुश्मनों ने मोबाइल टावर्स को अपने कब्जे में कर लिया है और इसका मतलब यह है कि अपने लोगों को कॉल करना बहुत ही मुश्किल होगा। और ये ब्रेकिंग न्यूज यहीं खत्म होती है। मैं यहाँ पे आई हूँ देखने के लिए कि कोई प्लान है, अगर कुछ नहीं है तो मैं वापस चली जाती हूँ। हम मेरे डैडी के घर जा रहे हैं, यही प्लान है। वो वो, वैसे प्लान कब बनाया गया? मुझे पता करना है कि मेरी मॉम को क्या हुआ है। लगा कि तुम कह रही थी कि उन्हें एलियंस ने किडनैप कर लिया, उसमें क्वेश्चन मार्क कहाँ से आ गया? इससे काम हो सकता है, इस फिल्म को हम इंसान की सोच पे बनाएंगे। एक औरत जो अपनी माँ को इमोशनली ढूंढ रही है पर वो माँ गायब है। देखो कज, मैं माफी चाहता हूँ कि तुम्हारी माँ खो गई है, लेकिन मेरे इस बात को जानने से कुछ ठीक नहीं होने वाला। और वैसे भी मेरी अपनी फैमिली है चिंता के लिए, वो तो कनाडा में रहते हैं। तुम समझने नहीं हो कि आगे क्या होने वाला है, पूरी दुनिया हमले के दायरे में है। अपने पापा के घर जाके छुपने से तुम बच नहीं जाओगी। डैड के पास बॉम्ब शेल्टर है, मैं भी चलूं। वो वैन ले लेते हैं। या नहीं, अरे मेरी कार लेके चलते, हमें किसी सुरक्षित जगह जाना होगा। जीवन, आओ गाड़ी में बैठो, हमें जल्द से जल्द इस शहर से बाहर निकलना है। आपने तो कहा था कि मैं आज रात को बाहर रह सकता हूँ। समय बदल गया है, एलियंस ने भूमि पर आक्रमण कर दिया है। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरी आंखों से ओझल हो जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ स्टीवन। चुप रहिए डैडी, आप मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। सॉरी दोस्तों, मुझे जाना होगा। पीछे के रास्ते से ले लो, बीच में बहुत भीड़ हो गई होगी, वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होगा। ये सब कुछ अजीब सा लग रहा है, सपने जैसा लग रहा है। कोई मुझे चूटी मारो, अब सपना नहीं है। कितना दूर है डैड का घर? आधा घंटा। हे एलियट, तुम्हारे पास वो फोन है जिसमें बिल्ट इन टीवी है? हाँ तो मुझे दो। थोड़ा ध्यान से हैंडल करना, ओके? शब्द जैसे कैटास्ट्रोफिक, कैटाकेस्मिक और कैटाबॉलिक जो दर्शाते नहीं है ऑसिक फैक्टर जो आज रात को हम लोग यहाँ देख रहे हैं। इन वीडियोस को किसी आवाज की जरूरत नहीं, इसलिए मैं इसके पीछे एक म्यूजिक लगा दूंगी जैसे ओ फॉर्चुना। क्यों ना, जिसमें ओमेगा 3 ज्यादा होता है। प्राइम मिनिस्टर को बहुत शौक हुआ है कि ये जो स्टेटमेंट इश्यू हुई है, हमारे जो साथी हैं अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम्स, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को मदद करने से मना कर दिया है। हमारे देश के प्रेसिडेंट के दिल में कोई संदेह नहीं है कि ये एलियंस या वो जो कोई भी हो, उन्होंने ये बहुत बड़ी गलती कर दी है कि हमारे जैसे कमजोर और पिछड़े हुए और थर्ड वर्ल्ड कंट्री जिसका नाम ऑस्ट्रेलिया है, उस पर उन्होंने शुरुआत की हमले की। कमजोर देश, तो जाहिर है कि उनकी गलती का एहसास उनको हो जाएगा और उनका ध्यान हम उत्तर के बड़े देशों की तरफ आकर्षित कर देंगे। और जब समय आएगा तो हमें अपने डिफेंस फोर्सेस को बचाना होगा, और यही कारण है कि हमने ये फैसला लिया है कि हमारे घायल दोस्तों को हम कोई मदद नहीं करेंगे। और प्रेसिडेंट ने अमेरिका के लोगों को कहा है कि वो अपने देश की सुरक्षा के लिए और अपने देश की भलाई के लिए प्रार्थना करें। एक मिनट, इसका मतलब ये है कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में अटैक हुआ है? अभी तक की ये खास खबर है कि ऑस्ट्रेलिया पर ही इनका अटैक हुआ है और हमारे देश को बहुत नुकसान हुआ है।
जहाँ जहाँ पर अटैक हुआ है उनका पता चल गया है। राज्य की राजधानियों के आसपास अटैक हुआ है। टेस्मेनिया को छोड़कर बाकी सारी जगहों में अटैक हुआ है। टेस्मेनिया की ऐसी की तैसी। सॉरी एलियट। दो सवाल। पहला, ये ऑस्ट्रेलिया पे एलियंस अटैक क्यों कर रहे हैं? और तीसरा, उन्होंने तुम्हारी मम्मी को ही किडनैप क्यों किया? मेरा मतलब है उन्होंने किसी और को तो किडनैप नहीं किया। ये अजीब बात है ना, वो मेरे पीछे ही पड़े हैं। क्यों? वो यूएफओ जिसने मुझे बचपन में ही बहुत ज्यादा पावर दी थी और वही पावर उन एलियंस के लिए खतरा हो रहा है ऐसा वो सोच रहे हैं। इसीलिए उन्होंने मॉम को किडनैप किया है ताकि वो मुझ तक पहुंच पाए। वो घर पर आए और मुझे नहीं पाए तो मॉम को उठा कर ले गए। वो तुम्हारे डैडी को क्यों लेके गए? मैं नहीं जानती। वही पता लगाने तो हम जा रहे हैं। क्या इन हमलों से हम पर बहुत ही मुसीबत आ जाएगी? तुमने क्या सोचा है? तुम ऐसा कोई प्लान क्यों नहीं बनाती जिससे वो शिप्स नीचे आ जाएं और हम उन पर काबू पा लें? ऑब्वियसली मैं ये नहीं कर सकती हूँ क्योंकि अगर उनकी शिप को हमने अटैक किया तो हमारी धरती को ही नुकसान होगा। क्या कह रही हो? उन्होंने तो ऑलरेडी नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया। तुम एक काम करो, पहले एक को नीचे लाने की कोशिश करो। उससे क्या होगा कि हम उस पे काबू पा लेंगे और हमारे देश को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तुम समझ रही हो ना? ठीक है, फाइन, मैं एक को नीचे लेकर आती हूँ जिससे तुम्हें भरोसा हो, मगर सब लोग तैयार हो जाओ। देखते हैं क्या करती है। ये मैंने किया? क्या मतलब मैंने किया? मेरे अंदर पायलट का हेड आया और मैंने उसे कहा कि नीचे आओ। ये तो कमाल हो गया। इसकी कहानी अच्छी लग रही है कि एलियन इसके दिमाग में आया। अरे वो तो एयरशिप है। अरे तुम अपनी तरह से जितनी भी कोशिश कर लो तुम उसे नीचे नहीं ला सकती। कमाल है, ये क्या हो गया? ये तो एक नीचे सच में आ गया। इसने अपने दिमाग में बिठाया एलियन को और उसे अपने हिसाब से नीचे लेके आ गई। वाह रे वाह, कमाल कर दिया यार। मैंने कहा था ना, चलो चेक करते हैं। हाँ बिल्कुल, चलो चलते हैं। अरे रुको रुको रुको, उस पायलट का क्या हुआ होगा? वो मर तो नहीं गया होगा या अभी तक जिंदा होगा? वैसे मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा है। हाँ ठीक है, शायद तुमने अभी तक कुछ महसूस नहीं किया होगा। क्या तुम लोग पागल हो गए हो? हाँ बिल्कुल, अंधेरा है। तुम्हारी आंखें महसूस करेगी थोड़ा बहुत तो? यहाँ इतना अंधेरा है कि वो एलियन हमारे अंदर घुस के वापस भी चली जाएगी। तुम फिक्र मत करो, एंडी को इसकी नॉलेज है, वो कुछ ना कुछ करेगी। दिखाई नहीं दे रहा। क्या किसी को महसूस नहीं हो रहा कि हम लोग बेवकूफ बन के चल रहे हैं? सर रुको, कैम, क्या उस कैमरे में लाइट है? हाँ है तो सही, पर मैं लाइट को ऑन करके बैटरी को खत्म नहीं कर रही हूँ। अच्छा ऑन करती हूँ। यहाँ एक बटन होना चाहिए, पता नहीं कहाँ है। अरे आवाज कैसी आ रही है? मैं नहीं जानती, मैं तो बटन ढूंढ रही हूँ। कैम, मैं और देर रुक नहीं सकती हूँ, जल्दी लाइट को ऑन करो। ये
नीचे, एलियन नीचे आ गया है। तुम कह रही थी यहाँ ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, वो सब क्या था जो कुछ देर पहले हुआ? मुझे लगता है कि मेरे पावर 100% नहीं है। हे, ये देखो मुझे कुछ टॉर्च मिले हैं। क्या तुम ठीक हो? इसने मुझे काट लिया पर इतना बुरा नहीं है। मुझे देखने दो, मुझे कुछ ज्यादा ही जानकारी है इन सब चीजों के बारे में। ठीक हो जाएगा, जब तक घाव साफ रहेगा कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। माफ करना कैम। हे दोस्तों वहां देखो ईटी। ये इतना अजीब और घिनौना सा लग रहा है, एक बंदर की तरह। मुझे लगता है कि ये एलियन है, स्पेसशिप से। वो उसके बारे में बता रहे हैं ना समझ? बिल्कुल ये शिप का ही एलियन है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस वीडियो को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस यूनिवर्स में सिर्फ इंसान नहीं है, कुछ और भी है। और वो जो कुछ भी है देख ठीक कहा, लेकिन इस सवाल का जवाब तो मैं 17 सालों से ढूंढ रही हूँ। अगर एलियन ऐसे ही होते हैं तो मैं अकेला ही रहना पसंद करूंगा। एंडी डियर, ये उन्हीं का शिप है ना? हाँ, चलो जाके चेक करते हैं। एलियन, तुम यहाँ एलियन के साथ रहो, इसके ऊपर अपनी नजर रखना, अपनी नजर इससे मत हटाना, समझ गए? वहाँ 2 सीट्स हैं। इसका मतलब 2 एलियंस आए हैं इस स्पेसशिप में। ये जरूरी नहीं है, शायद तुम सिर्फ गेस कर रही हो। तुम इस तरह किसे देख रहे हो? मुझे बताओ तुम इसे शूट कर रही हो क्या? मजाक कर रहे हो, मेरी डॉक्यूमेंट्री का तो ओपनिंग शॉट यही है। हे, ये देखो मुझे और 2 मिल गए। गॉड, ये मेरे ऊपर था, मेरे हाथों में था, मेरे मुंह के अंदर था, मुझे बीमारियां हो जाएंगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? हे जॉन, जॉन हूँ। हाँ हम जानते हैं। हे जॉन, क्या तुमने किसी और एलियन को यहाँ देखा है? एक और एलियन? क्या तुम मुझे भी एक और एलियन समझ रही हो? नहीं, हमने एक एलियन जिसको मार डाला, उसके अलावा भी तुमने किसी और को देखा? मतलब तुमने एक एलियन को मार डाला है? मैंने इसी स्पेस गन से उसका सर उड़ा दिया था। तुमने उसका सर उड़ा दिया? हाँ, लेकिन अभी इतनी जल्दी खुशी मत मनाओ। कैम सोच रही है कि कोई और भी होंगे। उस स्पेसशिप में 2 सीटें थी, इसका मतलब एक और एलियन होना चाहिए। अच्छा सुनो, गाड़ी में भी 5 सीटें होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 5 लोग उसके अंदर हों। उसके बावजूद ये बात भी है कि ये कार नहीं प्लेन है,
और इस पे दो पायलट हमेशा होते हैं। कैम, क्या हम स्पेसशिप सीटिंग के बारे में फिर कभी बात कर सकते हैं? वैसे भी अगर यहाँ कोई और एलियन होता तो हमें नजर आ जाता ना। ये लो, तुम इसे रखो। रुको रुको रुको, मेरे पास जो है उसे मैं ट्राई करना चाहता हूँ। ओके, थोड़ा पीछे हो जाओ लेडीज एंड जेंटलमैन, क्योंकि अभी चलने वाली है, समझ गए? टैकुला। ओके जॉन, अब तुम्हारी बारी। वाह वाह यार, तुमने तो कमाल का चलाया। बस आखिरी मेरी बारी है। ओह, ये हमेशा मेरे साथ क्यों होता है? क्या बात है! हमें निकलना होगा अभी, क्योंकि एलियंस ने हमें देख लिया होगा। नहीं, उन्होंने नहीं देखा होगा, वो लोग सब तो शहर की तरफ चले गए। वो सही कह रही है, उन्होंने देख लिया और वो आ रहे हैं। मैं महसूस कर रही हूँ। वो महसूस कर रही है, चलो यहाँ से निकलते हैं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, उन लोगों को आने दो, देख लेंगे। मैं चाहता हूँ कि वो लोग आए और मेरी इन खूबसूरत चीजों को देखे। तुम्हारी स्पेस गन कहाँ है? स्पेस गन? ये स्पेस गन क्या कर लेगा? हम लोग सब मरने वाले हैं। वैसे ये है क्या? हाँ हाँ, एलियट, अब गन को लो और उन पर हमला करो। चलो रुको, मुझे थोड़ा अपना चेहरा साफ करने दो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मेरे सामने कौन आ गया? हटो 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 रास्ते से। अरे हटो मेरे सामने से, बेवकूफ, हटने के लिए इसीलिए मुझे साइकिल वालों से नफरत है। हटो साइकिल वाले, हटो यहाँ से। अरे हो जाएगा, हट जा साइकिल वाले। ओह नो, ये गन तो ठीक तरह से काम भी नहीं कर रही है। मुझे लगता है वो गन की भाषा जानते हैं। कमाल, देखा, मैंने कहा था तुम कुछ कमाल करोगी। मैं नहीं जानता कि तुम सब लोग इतना घबरा क्यों रहे हो। तुमने कुछ सुना क्या? पीछे से कोई आवाज आ रही है। ये आवाज ऐसी है जैसे कोई किसी को मार रहा हो, बाउंस कर रहा हो कार के पीछे से। हो सकता है रियर एक्सल है। ऑब्वियसली ये रियर एक्सल ही है। मैं तो सिर्फ घबरा रहा था कि तुम्हारे डैडी के घर पहुंचने से पहले कुछ टूट ना जाए, वरना प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ये कैसी बदबू आ रही है? कैसी बदबू? जैसे कि मरे रेप्टाइल्स है। मैं तो नहीं हूँ। गाड़ी का शीशा नीचा करो। खास खबर, एलियंस को खत्म करने की ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस की कोशिशें नाकाम रही है। प्रेसिडेंट के स्टेटमेंट की वजह से बाहर से हमें सपोर्ट मिलना भी बंद हो चुका है। अगर ऑस्ट्रेलियंस चाहते हैं कि सारा ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हो तो वो उनकी जिम्मेदारी है, और अगर उन लोगों को इस तरह की चुनौती चाहिए तो अमेरिका तैयार है। कुत्ते कभी ने। Hey, calm down. क्यों इन एलियंस ने अभी तक दूसरी कंट्रीज में अटैक करना शुरू नहीं किया? क्योंकि उन्होंने मुझे नहीं ढूंढा है, वो मुझे को मानना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया का भविष्य संकट में पड़ जाएगा।
अगर हम तस्मानिया में नहीं रहे तो, क्योंकि वहाँ पे अभी तक हमला नहीं हुआ है। कमीने, गुस्सा मत करो, कोई गोली खा लो। वो तस्मानिया को अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि वो जानते हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है। दोस्तों, हमारे स्टेशन पर एक अनहोनी खबर ईमेल के द्वारा आई है, लेकिन उसकी असलियत हमें अभी तक पता नहीं चली है। लेकिन सब्जेक्ट कुछ इस तरह है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलियंस को वार्न किया है। उस मैसेज के अनुसार एलियंस ही उस शिप को चला रहे हैं। उनके अंदर नकली त्वचा बनाने की शक्ति है और वो जिस इंसान को चाहते हैं वो उसकी तरह बदल जाते हैं। और उस अनहोनी खबर भेजने वाले ने ऑस्ट्रेलियन लोगों को आगाह किया है कि ऐसे एलियंस को देखते ही तुरंत खबर करें। उनका सिम्टम्स कुछ इस तरह है कि वो जिस इंसान का रूप धारण करता है उसके बारे में उसे जानकारी नहीं होती है। बॉडी कुछ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, आवाज बदल जाती है और उनसे बदबू ऐसी आती है जैसे कि मरे हुए सांप। अब मुझे पता चला कि तुम्हारा उन एलियंस के साथ तालमेल कैसे बैठा है। तुम उनमें से एक हो। मैं कितनी बार कहूँ कि वो उड़ता हुआ सॉसर नहीं, मुझे वो पावर दी थी, बाली दुनिया की अद्भुत शक्ति। चुप करो ये बकवास। मुझे ही वो बदबू आ रही थी, तुमने तो नोटिस भी नहीं किया था। पता नहीं तुम कौन से स्कूल से गई थी, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है जो स्मेल करता है वो उनमें से एक हो सकता है, इसलिए तुम उनमें से एक हो। मैं ये बकवास और नहीं सुनना चाहती हूँ, समझ गए तुम? मैं तुम लोगों की बकवास से परेशान हो गया। एलियट, अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझसे एक सवाल करो जिसका जवाब सिर्फ रियल एंडी दे सके। आज से पहले की किसी भी घटना के बारे में पूछो। ओके, मैंने अपने ब्रेसेस कब निकलवाए थे? किन ब्रेसेस की बात कर रहे हो? ऊपर वाले टीथ, नीचे वाले टीथ, या तो फिर हाथ या पैर? हाँ ठीक है, भूल जाओ उसे। मुझे याद आया, मेरा सबसे बड़ा डर क्या है? रेबीज। तुम एंडी ही हो। अच्छा ये बात है, तो मैं कैसे समझूं कि तुम भी एलियन नहीं हो? अच्छा तो तुम भी एक सवाल कर लो। ओके एलियट, हम आज से पहले मिल चुके हैं ना, सही कहा ना? तो ठीक है, तो ये बताओ कि मैंने आज तक लगातार कितने टाइटल्स जीते हैं बॉक्सिंग में? 6 टाइटल जीते हो 14 सालों में। अब ऐसे मत कहो कि जैसे मैं सबको बताता फिरता हूँ। ए जॉन, तुमने सुना 6 लगातार टाइटल्स? ठीक है कीत, अब मैं तुमसे एक सवाल करती हूँ। वो कौन सा रिश्तेदार है जिसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ? बहुत आसान है, तुम्हारे डैड। ठीक है, तुम सही कह रहे हो। और तुम मुझे बहुत पसंद करती हो ना? तुम यकीन दिला सकते हो तुम एलियन नहीं हो? ओ क्या हो रहा है, बहुत हुआ ये डिस्कशन, मैं अंदर मर गई हूं। हम लोग पहले कहाँ मिले? क्या मेरे सवाल का जवाब दो वरना तुम्हें फ्राई कर दूंगा जैसे प्रॉन्स फ्राई करते हैं। हम सेंट शीला स्कूल में मिले थे 6th स्टैंडर्ड में, और तुम एलियन से इतना घबराई रहती थी, सोचती थी कि कहीं एलियंस मुझे न उठा के ले जाए। ठीक है ठीक है, तुमने सही कहा, ये काफी है, थैंक यू। तुम्हें जॉन पे शक नहीं करना चाहिए। उसे एक मुश्किल सवाल पूछो। तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है? हरा। तुमने तो हमेशा कहा कि ब्लू है। मैं कुछ ही दिन पहले हरे में बदल गया। तो सब कुछ क्लियर हो गया है, थैंक गॉड। वो, 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 रुको जरा। और ये जो मरे हुए की स्मेल आ रही है उसका क्या? कौन सी स्मेल है? मुझे अभी बदबू नहीं आ रही है, शायद बाहर आने पर बदबू दूर हो गई। ब्रेन ट्यूमर की वजह से कई बार ऐसा होता है। क्या तुम्हें चक्कर आ रहा है या माइग्रेन हो रहे हैं? तुम हर चीज को ब्रेन ट्यूमर के साथ क्यों जोड़ते हो? कम ऑन, वापस गाड़ी में चलते हैं, अभी बहुत दूर जाना है। एंडी, कहीं तेरे डैड का घर वो तो नहीं है? ओ Miss Carr's here. Where did we first meet? At the Royal Women's Hospital, where I was born. What about them? I checked them. They're clean. Have you been listening to the radio too? Get inside. What? Dad, what happened to Mum? I told you, aliens kidnapped her. It was a few minutes before they first attacked.
A small troop of them came to the house and dragged her out screaming through this door. It was horrible. I saw the whole thing from inside that cardboard box. What? You were hiding under a box? Is that what I think it is? If you think it's an alien bite wound, then yeah. Good God. You need chocolate. What are you doing? I'm saving your friend's life. What does it look like? Ah. Okay. This might sting a little. I think your dad's gonna kill us and eat us. Not if we kill him first. There. It doesn't feel any different. Well, of course not. I haven't added the coconut sprinkles yet. Oh my God. It's gone. The pain's all gone. Dad? That's incredible. Oh, that's nothing. You should see what I can do with a cup of jelly and a creme brulee. Okay, stop the music. It's questions and answers time. Dad, why were you hiding in a cardboard box when the aliens came? Why do you have a gun? And how do you know that Nutella and coconut sprinkles cures alien bite wounds? In brief, what the smeg is going on? I suppose it's high time I told you kids the truth. I am not the retired lead banjo player from a country and western folk pop duo. What? I'm a retired ASIO operative, codename PP69. What's ASIO? You know ASIO, Australia's intelligence agency that no one's ever heard of. We're a secret intelligence agency, princess. And if no one's ever heard of us, we're obviously doing a far better job than the CIA, MI6 and those other publicity-hungry wankers. Dad! And I wasn't hiding when the aliens turned up. I was keeping out of sight to avoid being found. That's what hiding is, Dad. All right, I was hiding. But I had a good reason. It's me they're after. I thought they'd up and leave when they couldn't find me, but they kidnapped your mother instead. They kidnapped her to get to me. What do they want with you? Hold this. Ah, the dust of days gone by. Or is that asbestos? Dad, can we turn on the overhead lights? Shh! A year before you were born, one of these alien spaceships crashed out near the Simpson Desert. The alien occupant died on impact. ASIO was first on the scene. We took the remains back to a secret outback installation, Shed 51. I was all set to perform the world's first autopsy on an extraterrestrial species when the body just vanished. Vanished? Literally vanished. I turn my back for 2 seconds, turn around, and hey presto, it's gone. My partner, Agent Crow, he never believed me. For years he hounded me, sending me text messages day and night. It was brutal. But the truth is what I'm telling you now. That dead alien just abracadabra'd itself into thin air. So you think that these aliens want you because you might know what happened to that alien? Maybe. Maybe that alien was special. Or maybe it's because I know too much. Unlikely. After the disappearance, ASIO bumped me down to Scholastic Division.
I studied these guys for 12 years while I was with the agency. Since retiring, I've compiled all of my research into a single memoir. I'm still looking for a publisher if you know anyone. A steamy action-adventure about a 16-year-old virgin who goes to witch school and falls in love with an extraterrestrial vampire. Well, I had to juice it up a little bit, otherwise who's going to buy it, right? So let me just come to terms with something. All these things you kept telling me when I was a kid, there's no such thing as aliens, there's no such thing as flying saucers, there's no such thing as Christmas, that was all bullshit. I wanted to tell you, Andy, I did. But hey, maybe the truth can bring us closer together. Dad, you're touching me. Oh, sorry. Forgot you don't like me doing that. Won't happen again. Wait, are you the one that emailed the radio station? Yes. It's against everything ASIO stands for. Well, the S at least. But people have to be warned. Those things could look like anyone down to the minutest detail. Hell, John here could be an alien and we wouldn't have the faintest clue. Highly amusing, Mr. Gibson. That's a hell of a cold you've got there, Jono. I'll get you some aspirin. So what's the plan to get her back? Who? Mum? Andy, I'd love nothing better than to go get your mum back, but the fact is we don't know where they've taken her. So what, we're just going to hang loose here and hope the aliens come back? Good idea. We should try and get some sleep too. Sleep? Aliens have kidnapped my mum, dad. If you think I'm going to rest for 1 second until she's home safe, then you obviously don't know me very well. Andy! Andy, wake up! I think I have a way to find out where your mother is. Oh, can we do it some other time? Ah! What the hell are you doing? Hey! What's all the rumpus? Shut up! I'm just begging Andy to show us something. Sounds mighty suspicious to me. What do you think, Jono? Affirmative. Hey, John, if you're going to sleep, why don't you just lie down on the bottom bunk? I would prefer to stand. That's pretty weird, man, but I guess it's those little peculiarities that makes a person special, right? I'm watching you, sussies. Don't think I'm not. Darn it! I just had a 120-minute shower and my hair still smells of alien brains. Oh, and Dad, you may be out of hot water. Shh! There's a strange car parked outside the house. Well, is it Keith's car? The car we came here in? Oh, right. Wait, there's a second car parked outside the house. Explain that. Isn't your car parked out there too, Dad? Oh, yeah, I didn't recognize it from this angle. Wait! There's a third car. A silver ute. Dad, don't take this the wrong way, but do you think that maybe those years of working for ASIO have made you a little paranoid? Paranoid? Why? Are the others saying stuff about me behind my back? Are you saying stuff about me behind my back? No. Easy to say. Dang. Where did I leave my puffer? There! Amazing! Ah! Thank you, memory. क्या और देरी होगी, मुझे थोड़ा आराम करना है. सुनो, सोना नहीं है. जब मैं कार में सो रही थी तो मेरे कैमरे का रिकॉर्ड बटन ऑन हो गया था. इस पे कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा, देखते हैं. जॉन? जॉन एक एलियन है? शायद इसलिए जब से स्पेसशिप ढूंढा है वो हरा होता जा रहा है. हो सकता है.
मुझे शायद अंदर चले जाना चाहिए। एलियट, स्टूपिड, कौन बुला रहा है इसे? तुम्हें और चॉकलेट पेस्ट चाहिए? एक्चुअली मैं तुम्हारे डैडी की बुक पढ़ रही थी। पहले कुछ चैप्टर्स बहुत कंट्रोवर्सी थे, पर बाद में बहुत इंटरेस्टिंग हो गए जब वो औरत किसी और के साथ रहने चली गई। क्या ये हमेशा होता है? वैसे भी इस किताब के हिसाब से एलियंस अपने पार्टनर्स को चेंज करते रहते हैं। तुम्हें बुक की जरूरत है ये सब कहने के लिए? मेरा कहने का मतलब है कि उन्हें सोडियम क्लोराइड से परेशानी होती है। या वेल, मुझे ये बताते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कैम, लेकिन हमारे पास केमिस्ट्री लैब नहीं है। एंडी, सोडियम क्लोराइड ही टेबल सॉल्ट है। वेल, हाँ मैं जानती थी, मैंने सोचा तुम कह रही हो प्लूटोनियम क्लोराइड। जॉन, मुझे लगा कि तुम बेडरूम में हो। क्या तुमने भी वो रियर एक्सल की आवाज सुनी? गेम खत्म हो गया जॉन, हम लोग जानते। ओ, हम लोग लेट हो गए। पीछे हो जाओ, नहीं तो इसका सर उड़ा दूंगा, जैसे कि इसने मेरे बहन के साथ किया था। मुझे छोड़ दो, मैं भगवान की कसम खाता हूँ मुझे तुम्हारी सिस्टर के बारे में कुछ नहीं पता। वो जॉन नहीं है, वो दूसरा एलियन है स्पेस से। इसीलिए स्पेसशिप में दो सीट्स होती हैं। क्या ये इन सब चीजों के बारे में मुझे ही क्यों आखिरी में पता चलता है यार? तुम्हें उससे ऐसा लगता है कि ये एलियन बहुत पावरफुल है? तुमने मुझे ठीक जगह पे नहीं मारा, तुम्हें जहाँ मार रहा था वो जगह पीछे है। नहीं, हमें वो जिंदा चाहिए। मुझे इंसानों से नफरत है। कम ऑन कैम, हम इसे निपटते हैं। हम लोग तीन हैं, लेकिन वो एक है बस। जाओ उसे पकड़ो कैम। ओके, फिर भी हम लोग दो हैं और तुम एक ही हो, अच्छी फाइट रहेगी। अब तुम जाके मुकाबला करो। ठीक है एंडी, मैं जाता हूँ। तुम्हें पता तुम किससे मुकाबला कर रहे हो? मैंने 14 में से 7 बार अपनी फाइट जीती है, तो तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? हाँ ठीक है ठीक है, मैं भी दिखाता हूँ कि मैं कैसे फाइट करता था। चलो आ जाओ तुम। इसने तो मेरी हड्डी पसली तोड़ दी। एलियट, तुम यही कहीं हो? तुम जानते हो पंचिंग बैग और तुम में क्या डिफरेंस है? मैं दिखाती हूँ। मुझे लगता है मेरे एक्शन से ज्यादा मुझे चोट लग गई है। शायद तुम इससे कॉम्प्रोमाइज की बात कर सकती हो। ये फाइट थकावट से भरपूर है। देखा तुमने, वो भी थक गया है। मे बी वो कॉम्प्रोमाइज कर ले हमारे साथ। मैं सरेंडर करता हूँ। उसके लिए ये क्या कह रहा है? लगता है कि वो अपनी बहन के बारे में बोल रहा है। उसकी बात में दम है। जॉन, जॉन ही एलियन है। थैंक गॉड, मुझे तुम्हें वॉर्न करने का टाइम मिल गया। और यहाँ पर तो वैसे मैंने असली जॉन को देखा, डिक्की में बंधा हुआ था। अब आप लोग ही बताओ क्या करना चाहिए। क्या तुम ठीक हो जॉन? मुझे एक ड्रिंक की जरूरत है। शायद मैं भी तुम्हारा साथ दूं। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं इस बेकार बंदे को क्यों घूर रही हूँ? डैड, कुछ कपड़े हैं जो जॉन पहन सकता है। क्यों नहीं, इसकी बॉडी के हिसाब से मिल जाएंगे। अब इसे दी दे एलियन के बच्चे। अरे तुम लोग मुझे इस तरह घूर क्यों रहे हो?
जैसे हैं। ओह, वहीं पर लास्ट बुलेट थी। लकीली मैं एलियंस को मारना चाहता था ना कि इंसान को, वरना ये तो मर चुका होता। लगता है कि 15 बार शूट करके और बाद में सवाल करना अजीब है। ठीक है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। नहीं डैड, ये गलत बात है। गलती आखिर गलती ही होती है। hey, मैंने वो वीडियो देखा और तब मैंने निर्णय लिया कि मुझे तुम सब लोगों को बचाना है, समझ गई? उसी का मतलब है एसईओ की ट्रेनिंग। वो तुम्हें एक खतरनाक इंस्ट्रूमेंट की तरह बना देता है। मेरे ख्याल में आपको इंस्ट्रूमेंट ठीक करना होगा। हमने गैरेज में सब सेट कर दिया है, रेडी हो तो आ जाना। ठीक है, उसके सर से वो उठाओ। अभी दूसरा काम करना है। ठीक है स्टारमैन, मेरा नाम है एंड्रिया गिब्सन। मेरी माँ को किडनैप किया गया है। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं जानना चाहती हूँ कि वो कहाँ है। हम सबकी जुबान पर बस यही सवाल है, समझे? तुम लोग हिंदी कैसे बोल सकते हो? जिस तरह आप हिंदी बोलते हैं वैसे ही हम भी बोलते हैं। सोनिक वाइब्रेशन को मैनिपुलेट करके वॉइस बॉक्स के द्वारा हम आपकी भाषा बोलते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारा क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि हम तुम्हारी हिंदी भाषा कैसे बोलते हैं। खैर, ये हमसे अच्छी हिंदी बोल लेता है। अच्छा तो ठीक है, तुम हिंदी भाषा कैसे बोल लेते हो कहानीकार? जैसा कि सब फॉरेनर्स बोलते हैं, हम छुप छुप कर इंतजार बनकर क्लास ज्वाइन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब सब अपना अपना नाम बताएं और कहाँ से आए हैं। योंग, क्या तुम पहले बताना चाहोगे? हाँ, मेरा नाम योंग सिंह है। मैं ओपी स्पेस से आया हूँ यहाँ, मेरा मतलब चीन से। बहुत अच्छे योंग, स्पेस क्लब को छोड़ के सब ठीक था। तुम उस तरह के एलियन नहीं हो ना योंग? तुम बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो। एलियट, क्या मैं ये सवाल जवाब कर सकती हूँ? सॉरी सॉरी एंडी, मैं अब दखल नहीं दूंगा। गुड, तो मैं ये पूछ रही हूँ। एक मिनट एंडी, तुम्हारी शिप के क्रैश होने का कारण क्या? हमें ये पता है ना? तुम्हें ये कैसे पता चल सकता है? अरे रुको एंडी, मैं बता रहा नहीं बता रही हूँ। बताओ बताओ, तुम्हारा शिप कैसे क्रैश हुआ था, बताओ। वो क्या बकवास कर रहा है, तुमने वो शिप कैसे बर्बाद किया? बताओ एंडी, बताओ उसको। बताओ बताओ, अरे बताओ 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 बताओ। हम यहाँ इस एलियन से पूछताछ करने के लिए आए हैं, मुझसे नहीं। तो अब तुम सब चुप हो सकते हो? मेरी बहन जो शिप को चला रही थी उसे थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी शिप को कंट्रोल करने में। इसका तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। अच्छी कोशिश है, लेकिन अब तुम सच बोलो। मान जाओ तुम मेरे ही कारण यहाँ पर आए हो। 17 साल पहले तुम्हारे स्पेसशिप ने मुझे बाहरी दुनिया की पावर्स दी थी। उन्हीं पावर्स की वजह से मैंने तुम्हारे सिस्टर के माइंड को कंट्रोल किया था कुछ देर पहले, और उसी पावर से तुम धरती को नष्ट करना चाहते हो। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या बोल रही हो। अभी तक की आइडिया नहीं है तुम्हारे पास? एंडी, ये पागलपन है। मैं इन स्पेसशिप्स को जानता हूँ। मैं पूरे 12 साल तक इनका अध्ययन करता रहा, और उनमें से एक तुमने उस रात देखा जब तुम 10 साल की थी। 17 साल बहुत होते हैं ये जानने के लिए। ऐसा होना ही था, मगर ये जान लो, वो स्पेसशिप्स रोशनी दिखा के आदमियों को सुपर पावर्स नहीं देते। ये नहीं हो सकता। लेकिन वो मेरे साथ हुआ है डैड, और वो इसीलिए यहाँ पर आए हैं। मैं ही उनका सबसे बड़ा खतरा हूँ, यही बात सही है ना? बंद करो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। तुम्हें मदद नहीं मिलेगी क्योंकि तुम गलत हो। मैं ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन हूँ। मैं इतना जान गया हूँ कि उनके लिए खतरनाक हो गया हूँ। मेरे लिए ही तुम यहाँ पर आए हो ना? मुझे न पता तुम कौन हो। चूट! तुम सबसे जानते मैं कौन हूँ। कबूल करो, मेरी खातिर तुम यहाँ आए हो। डैड, बंद करो, मेरे लिए ही वो आए हैं। ये झूठ बोल रहा है, सच बोलो। नहीं, वो मेरे को ढूंढते आए हैं। नहीं, वो मेरे लिए आए हैं। मेरे लिए। पर
सुनो सुनो सुनो, शायद वो तुम दोनों के लिए आए हैं यहाँ। मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ ठीक है, ये बात सही है। मैं मानता हूँ कि मैं तुम दोनों के लिए यहाँ आया था, बराबर। लेकिन तुम्हें मेरी जरूरत ज्यादा है। डैड बीच में मत बोल, ये कोई कंपटीशन नहीं है, और अगर होता भी तो मैं जीतती। ओके गंजे शक्ल वाले, बस मैं एक और बात जानना चाहती हूँ, मेरी मम्मी को कहाँ लेकर गए हैं? मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा तुम्हें। मैं बुलवा के रहूंगी। तुम्हारी कोशिश बेकार है, तुम जितनी भी कोशिश कर लो मुझसे बुलवाना बहुत ही मुश्किल है। बर्न, मुझे बताओ कि उन्हें कहाँ लेके गए हैं। अगर बता दिया तो मुझे मारना बंद करोगे क्या? अगर नहीं बताओगे तब भी तो मारेंगे तुम्हें, इतना तो समझ गए होगे? क्योंकि तुम इंसान ही नहीं हो। सॉरी सॉरी। देखो मैं तुम्हारे दोस्त को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, मैं बस अपने आप को बचाना चाहता हूँ। भरोसा करो, मेरे पिता ने ही तुम्हें डैमेज किया है। सुनो मैं तुम्हारे इमोशन को समझ सकती हूँ, अपनी बाहर की दुनिया के पावर से। मैं जानती हूँ तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, वही प्यार है मेरा अपनी माँ के लिए, समझ गए? तुमने मेरी बहन को मारा? नहीं कीट ने मारा। क्यों डे? लेकिन वो पुरानी बात है, उसी में क्यों अटके हो, हमें आगे बढ़ना है। ये 3 साल पहले हुआ था। अच्छा देखो, अगर तुमने ये नहीं बताया कि मेरी मम्मी कहाँ पर है तो ये तुम्हारे चेहरे पर गिरा कर बर्बाद कर। नहीं, इसमें बहुत नमक होता है। वो उसे हमारी शहरी गोडाउन में लेके गए हैं। और वो कहाँ पर है? सेंट शीला स्कूल फॉर गर्ल्स। क्या तुम लोग उसे हमारी हाई स्कूल में लेके गए? वही क्यों? क्योंकि ब्रिस्बेन की अच्छी जगह है, जहाँ टैंकर आसान होता है, वहाँ पे फैसिलिटी भी बहुत अच्छी मिलती है। तुम वहाँ नहीं पहुँच सकते क्योंकि निगरानी बहुत तेज है। हम देख लेंगे। ओके दोस्तों, तुम लोगों ने सुन लिया ना, हम वापस स्कूल जाएंगे। अगर ऐसी बात है तो मैं सर्टिफिकेट 3 के लिए भी पढ़ाई करना चाहूँगा, और मैं स्कॉलरशिप भी लेना चाहूँगा। कैसे बचाएंगे ये सोच रही हूँ। मेरे साथ कौन आ रहा है? मैं आ रही हूँ, मैं स्कूल को अच्छे से जानती हूँ, और कैमरा कहाँ लगाना है वो भी जानती हूँ। ओके, क्या तुमने कभी सुना है कि आगे बढ़कर कभी पीछे हटाओ? लेकिन ऐसा एक समय था मेरे 5वें और 6वें टाइटल के बीच में, लेकिन इसलिए था कि उन्होंने बहुत ड्रग्स लिए हुए थे। वो तुम्हारी भी फॉर्म है? सच है, मैंने ऐसा सोचा नहीं था। शायद हो सकता है मैं फार्मास्यूटिकल्स का इंचार्ज हो सकता हूँ। तो तुम्हारी जरूरत वहाँ ज्यादा पड़ेगी। तो ठीक है, हम लोग 5 जन हैं, चलते हैं। एंडी, मैं नहीं आ सकता। क्या? देखो एंडी, मेरी इच्छा इतनी नहीं है कि मैं तुम लोगों के साथ तुम्हारी मम्मी को वहाँ ढूंढने जाऊँ, और वैसे भी किसी को यहाँ रुकना ही पड़ेगा जो उनकी देखभाल करनी है। डैड वो हाउस प्लांट नकली है। लेकिन मैं तुम्हें असली बात बताता हूँ, मैं तुम सबको शुभकामनाएं देता हूँ तुम्हारे काम के लिए। थैंक यू डैडी। क्या हमें हर तरह से शुभकामनाएं भी चाहिए? चाहो तो तुम मुझे अंधविश्वासी भी कह सकते हो, वैसे से किसी को नुकसान नहीं होगा। बदकिस्मती। अच्छा सुनो, मैं जितना जानती थी उस हिसाब से मैंने ये मैप जल्दी से बना दिया है। बाप रे बाप, ऐसा लगता है किसी कंप्यूटर में बनाया है। थैंक यू मेरी तारीफ के लिए। अरे मेरे दोस्तों, मैंने स्कूल का मैप बना लिया है, ये देखो। ओके एंडी, ये तुम हो? नहीं, ये तुम हो और ये मैं हूँ। एलियट। ओह, तो तुम्हारे पास मैप ऑलरेडी है। मुझे बताने के लिए शुक्रिया। ठीक है, तो वापस चलते हैं मेरी बात पे। तो एंट्रेंस जो है ग्लास का बना है, तो वहाँ से अटैक नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग जाएंगे बैक से, जहाँ से छुपकर अटैक करना आसान होगा। और ये रेड डॉट वाला कौन है? अरे वो कुछ नहीं, जॉन का खून निकल रहा है दूसरी तरफ से। ठीक है तो हम लोगों को पैकिंग करनी चाहिए। सही कहा, हमें कुछ ऐसी चीजें चाहिए जैसे हथियार, कवच, पेपर मशीन और ऐसा कुछ जिससे हम बच सके। नहीं, हमें सबसे पहले जरूरत है कुछ म्यूजिक की। क्या कहते हो डैड, क्या आपके पास कुछ ऐसा है जो हम सबको पसंद आए? मेरे पास कुछ टैस्मानियंस है। तुम मेरे पिता नहीं हो सकते। कुछ
time has come to make a stand. We're sick of being in the forgotten land. We're just like you, we're Aussies too, but not as bronzed. We're under 10, Tasmania, Australia, we're the bit below the big bit. Tasmania, no radio, we're like an island that's completely surrounded by water. Some people say we've got two heads. They even say that we're in bread. Well, I've had enough, and I had too. So cousins, me, we're off to bed. Tasmania, Australia, with a bit below the big bit. Tasmania, no radio, we're like an island that's completely surrounded by water. Completely surrounded by water. Our home is good by sea. All right, sab suno. Aliens versus Australians. तो कौन जीतेगा? एलियंस। वैसे मैं बताना चाहती हूँ हम ऑस्ट्रेलियंस हैं। ऑस्ट्रेलियंस डेफिनेटली। इसी वक्त का हमें इंतजार था। यही वो वक्त है जब हम एक आम इंसान से एक खास इंसान बन जाएंगे। सारी दुनिया की नजरें हम पर होंगी। चलो उनको मजा चखाते हैं। yeah! ओ, जीत हमारी होगी। हम इस तरह से आज की रात नहीं सोएंगे और हम लोग डट कर मुकाबला करेंगे और उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया को एक नई दिशा में ले जाएंगे। चाहिए अगस्त का तीसरे हफ्ता क्यों ना हो, सबके साथ जाओ। ऑस्ट्रेलियंस ही सबसे आगे होंगे। शायद हमें निकलना होगा तुम्हारी माँ को बचाने के लिए। सही कहा। कोई दया मत दिखाना क्योंकि उनसे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। और ध्यान रखना, ज्यादा पानी पीना और फ्लूइड्स को बाहर निकालना। लो ये भी लो, आगे दे दो। सबको एक मिलना चाहिए। एलियट को तो दो चाहिए। कुछ और है रख लो, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। ये बहुत जरूरी है कि तुम उनके साथ लड़ते लड़ते फंस जाए। सच में ये काफी है। रुको रुको एक मिनट, मुझे तुमसे कुछ कहना है। सुनो मेरी बात सुनो। ठीक है, तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो माँ से मिलता है और तुम्हारी माँ से भी। प्यास? केम, हमें कितनी देर लगेगी एलियन तक पहुंचने में? एक घंटा और 15 मिनट में। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से सहायता की आखिरी उम्मीद टूटने के बाद लगता है ऑस्ट्रेलियाई लोगों के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। सिर्फ टास्मानिया को छोड़कर जहां अभी तक हमला नहीं। वो क्यों नहीं टास्मानिया पर अटैक कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा। टास्मानिया के बारे में भूल जाओ, तुम एक घिसे हुए सीढ़ी की तरह बात कर रही हो। खालीपन हमें खाए जा रहा है, अब कौन हमें बचाएगा? हमें ईमेल कीजिए WTFM पर। आपका जवाब आपको टास्मानिया का ट्रिप दिला। तुमने सुना, यही वो मौका है जब हम लोगों को बचा सकते हैं। हम क्या करने जा रहे हैं? बचाने वाले हैं। हम ये रिस्क किसके लिए ले रहे हैं? बचाने के लिए। हमें कौन रोकेगा? कोई नहीं। नजर भी नहीं आ रहा ना इंसान में एलियन, ये तो सब खाली पड़ा हुआ है। इतनी सुरक्षा है उसके आसपास, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अब तो तुम विश्वास कर सकते हो ना कि वो मेरे लिए ही आए थे इस दुनिया में और किसी के लिए भी नहीं। शायद उसने हमसे सब कुछ झूठ कहा। क्या पता ये उनके ऑपरेशन का सीक्रेट ग्राउंड ना हो। बेस, खबरदार इंसानो, तुम लोग एलियन सीक्रेट ग्राउंड बेस के ऊपर से गुजर रहे हो। तुम्हें 5 सेकंड देते हैं, यहाँ से निकल जाओ वरना खात्मा किया जाएगा। ये बकवास है। ये बनाया हुआ बकवास है। चलो भागो।
मेरे पास एक और बफर है। इस गन को फेंक दो, ये हमारी चीज है। इस प्लैनेट को छोड़ दो, ये हमारी है। तुम गलत एलियन से मुकाबला कर रही हो। मैं खुद इंतजार नहीं कर सकता जब तक ये प्लैनेट रहेगा। मैं अपने आप को बीमार समझता हूँ जितनी देर यहाँ रहता हूँ। बकवास बंद करो। अब तुम मेरी करामत देखो। एलियट, तुम जिंदा हो? हाँ, अभी तक तो जिंदा हूँ। मुझ में थोड़ी बीमारियाँ हैं जो मुझे अभी पता चली हैं। देख लेंगे उसे। तुम्हारे ऊपर इतनी गंदगी कैसे? क्या कह रही तुम? पता है क्या, मुझे परवाह नहीं। तुम्हें परवाह नहीं? नहीं, मैं जिंदा हूँ, उसी में तो मेरी खुशी है। एलियट, मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ जो मैंने कहे थे। तुम एक असंतुष्ट इंसान नहीं हो, तुम एक पावरफुल और बहुत अच्छे इंसान हो इस भूमि पर। क्या, ये तुमने कब कहा? कुछ याद नहीं आ रहा है कब कहा था, शायद काफी समय हो गया है ये बोले हुए। लेकिन तुम अभी वैसे नहीं हो। तुम सबसे अच्छी हो एलियट, वो तो कमाल का था। सब चाहते हैं कुछ कमाल का हो। हम स्कूल की तरफ जाते हैं और जीत हमारी होगी। कौन चलेगा मेरे साथ? अच्छा सुनो, हम लोग शायद गलत जगह पे आ गए हैं। मैं अपनी मैप पे देखती हूँ कि अब क्या प्लान गया बाहर में। अब हम लोग चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। सब तैयार हो जाओ। चार्ज। चलो हम सब चलते हैं। दोस्त, मैं मदद नहीं कर सकती, पर लगता है कि हम दीवार की तरफ जा रहे हैं। कोई प्लान नहीं है एलियट। व्हाट प्लेजर। लगता है कि सिर्फ हम लोग ही हैं जिन्होंने चुपचाप एलियन वेपन्स को चुराए हैं और यहाँ पर आए हैं। तो ठीक है, बताओ एलियंस कहाँ हैं? हम ही एलियंस हैं। सोचा नहीं था ये होगा। एंडी, एंडी, एंड्रिया। मॉम, क्या आप हैं? हाँ, ये मैं ही हूँ, स्पेस गर्ल। ओह मॉम, आप विश्वास नहीं करेंगी, मैंने एक सपना देखा जो बिल्कुल रियल लग रहा था। एलियंस बाहर की दुनिया से आए और ऑस्ट्रेलिया पर अटैक करें, और वो मेरे लिए आए हैं क्योंकि मेरे पास वो पावर्स हैं। और आप भी वहीं थी, उन्होंने आपको किडनैप कर लिया था और हम लोग आपको बचाने के लिए आ रहे थे। मैं, एलियट, कीथ और कैम, और मैं उनको जोर दे रही थी और तभी एक स्पेस गन मिली और उससे हमने एक रोबोट को खत्म भी कर दिया जो एलियट को मारना चाहता था। वो बहुत भयानक हादसा था,
वहाँ से हम लोग निकल गए और एक मैप लेकर आपको ढूंढने के लिए आए। आप जानती हैं इस काम के लिए सब लोगों ने मेरी मदद की है मॉम। एंडी, ये जो ख्वाब है तुम्हारा, ये कहीं सेंट शीला प्राइवेट गर्ल्स स्कूल से जुड़ा तो नहीं है ना? सेंट शीला प्राइवेट स्कूल? थोड़े भी हिले तो मारे जाओगे। ओ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, तुम सब लोग फंस गए, यहाँ बंद किए गए हो। बहुत अच्छा काम किया। अरे चुप करो एंडी। हाँ, ये सब तुम्हारी गलती है, इसलिए हम यहाँ फंसे हुए हैं। मेरा प्लान फॉलो करना चाहिए था। कीथ, एलियट, मैंने तुम दोनों से क्या कहा? मैं तुम सब पे नाज करती हूँ कि तुम सब मुझे बचाने आए। बहुत हिम्मत की बात है कि तुम पांचों यहाँ पर आए हो। पांच? हाँ, मुझे लगता है कि तुम्हारे पिता मारे गए हैं। नहीं मैम, वो बिल्कुल ठीक हैं। वो एक्चुअली घर पर हैं, जॉन की रक्षा कर रहे हैं, जिनको उन्होंने 15 बार शूट किया था। मम्मी, ओ बहुत बुरा हुआ, मतलब जॉन के साथ। मिसेस गिब्सन, उन्होंने बताया कि तुम्हें यहाँ क्यों लाए? नहीं, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। हम जानते हैं कि इन्हें क्यों उठाया है, मेरे लिए उठाया है, समझ गई? और तुम बेवकूफ ये समझ ही नहीं पा रहे हो। और अब जब उन्होंने मुझे और मम्मी को पकड़ लिया है, तो उन्हें लगता है कि पूरी धरती को उन्होंने हासिल कर लिया है, तो उनको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। सिस, अब समय आ गया है कि तुम अपने दिमाग का सही उपयोग करो। वो पावर्स जिसके बारे में तुम हमेशा बड़बड़ाती रहती थी। सुनो, तुम मेरी पावर्स को क्वेश्चन मत करो, वरना अगली बार तुम्हारी जाने बचाऊंगी। लगता कोई आ रहा है। सब लोग होशियार हो जाओ, हमारी मैडम आ रही है। वेल, ये सही वक्त है। रुको, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? जाल में फंस गए हो अब। तुम लोग अभी तक खड़े क्यों हो? घुटनों के बल झुक जाओ और हमारी मैडम का स्वागत करो। तुम लोग मेरे पहनावे को नजरअंदाज कर दो। मैंने ये पहन रखा है क्योंकि मुझे ये पहनावा पसंद आया। लेडी का कभी ऐसे पहनावा करती थी क्यों? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या तुम मुझे भूल गई हो एंडी? हाँ, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। कुछ याद आया मेरे बारे में? मुझे तो लगता है हम पहली बार ही मिल रहे हैं। तुम्हें ऐसे लग रहा है, तो मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ 17 साल पहले वाली बात। हाँ, ये देखो, उस समय मैं एक रूटीन और एक फ्लाईओवर मिशन में थी, और जब मैं उस मिशन में काम कर रही थी तो हम लोग वहाँ पे आए, तुम्हें शौक किया और हमारा मिशन बिल्कुल कामयाब रहा। तुम्हें याद नहीं आया कुछ? और जब घर वापस आए हम लोग, तो हमें ये हमारे शिप में फंसा हुआ मिला था। अब तुम इसे उठाओ और फुलाओ और उस वर्ड्स को पढ़ो जो इस पे लिखे हुए हैं। जल्दी करो तुम। शब, जैसा वो कह रही है करो, समझे? ओ ठीक है ठीक है, चिल्लाओ मत। यहाँ कोई शब्द नहीं, ये वो पिक्चर है जो मैंने बचपन में बनाई थी। हमसे झूठ मत बोलो, उसके दूसरी तरफ देखो। तुमने तो
उसे मैंने मजाक किया था। उस वक्त तुम्हें ये मजाक लग रहा होगा, पर हमारे लिए ये इंसल्ट था। और वो जो ड्राइंग उसमें बनाई गई थी वो बिल्कुल मेरी शक्ल के जैसी थी। ये सारी तुम्हारी गलती है। अरे मुझे क्या पता था कि तुम वो बलून उठाकर छोड़ोगी, वो स्पेस पर जाएगा, उस एलियन को लगेगा और फिर उसको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स देके उसे चैलेंज करेगा। मजाक कर रहे हो, ये वहाँ ऊपर से आगे मुझे ढूंढने के लिए। चाहे कुछ भी हो। एक मिनट, तो तुम सब एंडी के पीछे इसीलिए पड़े हुए थे इतने टाइम से? तुम तो ऐसा कह रहे हो जैसे तुमने कभी विश्वास ही नहीं किया। और इसीलिए तुमने ऑस्ट्रेलिया पे अटैक किया और आंटी कैली को किडनैप किया। वेल, मेरे सवाल का जवाब मिल गया। तो तुम्हें इतना समय क्यों लग गया? इस बलून के वाकये को तो 17 साल हो चुके हैं। शायद तुम नहीं जानती हो कि स्पेस से यहाँ आने के लिए वीजा बहुत मुश्किल से मिलता है। इतना आसान नहीं है। फॉर्म्स देने पड़ते हैं, बैकग्राउंड चेक होता है और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज भी करनी पड़ती है। क्यों समझ गए तुम? और हाँ, हमें तो वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स कहा जाता है। और मैं जानती हूँ तुम्हारे बैक्टीरिया के बारे में। भी बैक्टीरिया पसंद नहीं है। शट अप यू एलियट। अब जैसे कि तुम लोग हमारे कब्जे में आ गए हो, मेरा प्लान है कि हम तुम लोगों को अपने वेसल्स के जरिए हाई अर्थ ऑर्बिट में ले जाएंगे और वहाँ से हम सब देखेंगे कि भूमि में क्या हो रहा है, और उसके बाद तुम्हारे ये बनाए हुए प्लैनेट को हम लोग कर देंगे ब्लास्ट। इन चित्रों से चलचित्र का पता चल रहा है। इसका मतलब हमें पूरा बनाना पड़ेगा। तुम्हें मालूम है हम चारों भाई बहन हैं? नहीं, उसके बाद हम लोग तुम्हें मार डालेंगे और एक कचरे की तरह तुम्हें ऊपर से नीचे फेंक देंगे। इंसानों का खात्मा हो जाएगा, हमारा मिशन पूरा हो जाएगा और मुझे बहुत खुशी होगी। इस जगह को छोड़ के फिर हम अपनी दुनिया में वापस जा सकते हैं और बड़ी गर्व से जी सकते हैं, यूरेनियस की तरह। इसका मतलब तुम यूरेनस से आई हो? होली शिट, दम है तुम में। मैंने इरादा बदल दिया, इस सबको मार डाल। इतनी जल्दी भी नहीं। डैड, हनी, अंकल डैनी, किप्सन, तुम किसी भी नाम से जाने जा सकते हो क्या स्ट्रेंजर? डैड, आपने जॉन के साथ क्या किया? वो बिल्कुल ठीक है, मैंने उसे गाड़ी के सीट पे रखा हुआ है। ओह, तो हाउस प्लान पे वही है क्या? तुम्हें मेरी तलाश है, मेरे परिवार वालों को जाने दो। वैसे मैं इनके रिश्तेदार नहीं हूँ, पर इनके परिवार से मेरा संबंध है। कौन हो तुम? कहा ना, मैं वही हूँ जिसकी तुम्हें 17 साल से तलाश थी। मैं वही फरार आदमी हूँ। डैड, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन अभी अभी उन्होंने कहा कि वो मेरे लिए यहाँ पर आए हैं। टेक्निकली तो मैं हूँ, लेकिन उन्हें लगा कि एंडी है। बच्चों चुप रहो, तुम्हें पूरी कहानी नहीं पता है। याद है मैंने तुम्हें बताया था उस दिन एलियंस कैसे गायब हो गए थे? हाँ, मुझे वो स्टोरी बहुत पसंद है। मुझे उस स्टोरी का एंड बहुत पसंद है जहाँ एलियन गायब हो जाते हैं। मैंने झूठ बोला था, वो एलियंस गायब नहीं हुए थे और उसकी वजह से उनकी मौत भी नहीं हुई थी, और वो एलियन मैं ही हूँ। हाँ जरूर डैड, आपको लगता है कि हम विश्वास करेंगे? नहीं, लेकिन मैंने ऐसा समझा था। शक्ल वापस आ गई। मुझे बताओ, मैं कोई बुरा सपना देख रहा हूँ क्या? मुझे लगता है ये सच में हो रहा है। मैंने प्लेबैक करके देखा, ये सच में हुआ है। ओह माय गॉड, ये हकीकत होता जा रहा है। मेरी ड्रामा बंद करो अभी। क्या तुम में से कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है? मेरा असली नाम है यिग्स ब्लक्स के, और 28 साल पहले मैंने यूरेनस में बहुत बड़ा क्राइम किया था। सीरियसली सुनो प्लीज। आई एम सॉरी, उन्होंने प्लैनेट का राम रखने में बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने एक शिप चुरा कर पृथ्वी की तरफ गया और वो ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट में क्रैश हो गया, तभी मैं अपने ही प्लैनेट से फरार हो गया। मुझे ढूंढ निकाला एक बुजुर्ग साउथ ऑस्ट्रेलियन कपल ने और एक 3 पैर वाले कुत्ते ने। मैं उनके साथ कई महीने रहा। अरे जरा नमक देना मुझे। नहीं। इससे पहले कि वो काले कोट वाले मुझे पकड़े, मैं बेहोश हो गया। मैंने मरने का नाटक किया इससे पहले कि वो मुझे काटते।
जाग गया। देखो मुझे दर्द नहीं होना चाहिए। मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो जाए, लेकिन जब हो गया मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं था। उस बॉडी को मैं वहां छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उसे निगल लिया। हड्डियां वगैरह भी, और पूरा का पूरा मैंने निगल लिया था, इसलिए मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। ओह कितना बेकार। शायद तुम्हारे लिए, लेकिन मुर्दों को खाना हमारे प्लेनेट में मर्यादा की बात होती है, राइट कमांडर? मैंने बाकी सबको मना लिया कि वो एलियंस जादू से गायब हो गए। मेरा अवतार इतना अच्छा था कि मैंने एसीओ में रिसर्चर का काम जारी रखा और एलियन के बारे में अपनी जानकारी को इस्तेमाल किया। एक साल बाद तुम्हारी मम्मी से मेरी मुलाकात हुई, बाकी सब तो तुम जानते ही हो। डैड एलियन है, और इतने दिनों से मैं अपने आप को समझ रही थी। वैसे तुम्हारा ये शरीर जो है एलियन की तरह क्यों लगता है? मैं मॉइस्चराइजर लगाता हूँ। और तुम्हारी आवाज़, वो भी तो एलियन जैसी नहीं है। मैं गले के लिए व्यायाम करता हूँ, चाय पीता हूँ, टैबलेट्स लेता हूँ, इस तरह की बहुत सारी चीजें। और नमक, तुमने तो नमक लिया होगा ना कभी? मैंने कभी नमक नहीं खाया। हमारे पास नकली नमक है जिसका नाम है ये नमक असर नहीं करता, वो नारियल से बनता है। और वो जो है, अब बस करो। ओके मॉम, तुम ये सब जानती थी? हाँ मैं जानती थी, और तुम लोगों को भी बताना चाहती थी, लेकिन ये हमेशा मुझे मना करते थे तुम लोगों को बताने के लिए। हमें बच्चों को बता देना चाहिए। अभी बता नहीं सकते, एंडी एलियंस के बारे में बहुत सोचती है, तो सोचो अगर मैं एलियन हूँ उसे पता चलेगा तो क्या होगा? मुझे प्रभु की तरह मानेगा और तुम्हें तो बस अलग कर देगा, और मुझे वो सब देखना पसंद नहीं। डेनिस, बच्चों को बता देना चाहिए। अभी नहीं, अभी तो एलियन कुछ समस्याओं से गुजर रहा है, अगर उसे पता चलेगा तो वो मुझे वायरस की तरह ट्रीट करेगा। हाँ नहीं, बच्चों को बता देना चाहिए। एंडी के बर्थडे को अभी सिर्फ 7 महीने ही बचे हैं, अभी नहीं। इसी वजह से उन लोगों ने मुझे किडनैप किया है। ओके, तुम्हारी जानकारी के लिए, वो बॉक्स बहुत बदबूदार और गंदा था, इसलिए मुझे भी परेशानी जरूर हुई थी। मॉम क्या बात है एंडी, तुमने जानबूझकर इस आदमी के साथ घर बसाया? हाँ मैंने जानबूझकर ही इस आदमी के साथ घर बसाया, और मैं बहुत खुश होंगी अगर ये फिर से हुआ तो। स्वागत है, चेरी स्प्रिंगर मीट्स द थिंग। मतलब इसका मतलब, हे भगवान, फिर तो एलियट और मैं आज एलियट से। हाँ बिल्कुल, वेल अब कुछ बातें मेरी समझ में आ रही हैं। यानी कैसे? एक बात है, क्यों मेरे पेट में ये सब कुछ है? इसको कहते हैं 3 नाभि वाला पेट। और मेरी पूंछ क्यों है? सॉरी कैम, अब पता चला कि मेरे टांगों के बीच वो फुंसी कैसे है। नहीं वो एलियन से संबंधित नहीं है, तुम्हें चेक कर लेना चाहिए, और शायद तुम्हें पता है वो क्या है, प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। हे भगवान। और मेन बात तो ये है कि ये समझ आता है कि मेरे पास इतनी सारी पावर्स क्यों है। ये मुझे उस सोर्स से नहीं मिली 17 साल पहले, ये मुझे मिली है अपने डैड से। पावर्स के बारे में मैं तो नहीं जानती हूँ, लेकिन तुम्हारे कनेक्शंस होंगे अदर एलियन से। तुमने कभी अपने भाई की आवाज सुनी है अपने दिमाग के अंदर? एंडी क्या तुमने मेरी अंदर की आवाज को सुना है? ऐसा कुछ खास मुझे याद नहीं आ रहा है। तो फिर जब मैं आ गया हूँ तो मुझे अरेस्ट कर लो और इन सब बच्चों को जाने दो। मिस्टर ब्रिसर फेक, तुमने जो ये कहानी सुनाई, फिर भी मैं नहीं जान पा रही हूँ कि तुम कौन हो। मैं यहाँ आई हूँ तो तुम्हारी बेटी के लिए, और थोड़ा बहुत भूमि प्लैनेट के लिए। तो मेरा यहाँ पे आना पूरी तरह बेकार हुआ? यही लग रहा है मुझे तो। मैं चलता हूँ। इतनी जल्दी भी क्या? हेलो
डैनिस। क्रो, ये बेवकूफ स्टिक्स का डैड यहाँ क्या कर रहा है? मामला क्या है एजेंट बीबी 69? अपने पुराने पार्टनर को देखकर खुश नहीं हुए? एक मिनट, स्टिक के डैड एसीओ के एजेंट क्रो हैं? ये वही हैं जिसने तुम पर विश्वास नहीं किया? सही कह रही है स्टार चाइल्ड, मैं पूरी कहानी एलियन की जानता हूँ जो पूरी तरह से बेकार है। मुझे 28 साल लगे तुम्हारी फैमिली को समझाने के लिए कि मैं ठीक हूँ। तो आज रात मेरे घर में वो सिल्वर सूट पहन के तुम ही आए थे? मैं 25 सालों से हर रात वहाँ रहते आया हूँ। धन्यवाद, आखिर तूने मुझे पहचान लिया। उसके बारे में बात करते हुए मैंने तुम्हें आज तक क्यों नहीं पहचाना? टाइटेनियम टर्टल्स गेस्ट डैनिस, तुम किस तरह के पेरेंट्स हो दोस्त? एंडी ने मुझे यहाँ आने के लिए मना किया था। एक और बात, तुमने उनका म्यूजिक सुना? उन लोग टैस्मैनियक्स नहीं है। शट अप, तुम इस पल को बिल्कुल खराब नहीं करोगे। इससे शर्त मत लगाओ, ये बहुत तेज इंसान है। स्टिक्स, तुम और तुम्हारे डैड हमारा पीछा कर रहे थे। जवाब मत देना। बिल्कुल कर रहे थे, वरना तुम लोग यहाँ पर कैसे होते? बिल्कुल सही बात है। ये मेरी गलती नहीं है, डैडी अपने काम के बारे में कुछ नहीं बताते, और अभी कुछ घंटों पहले ही उन्होंने बताया। और सेवन, एक शब्द भी बोले तो आज रात आइसक्रीम नहीं मिलेगी तुम्हें। आप हमेशा मेरी बेइज्जती करते रहते हो। कमाल है, चीजें कैसे बदल जाती हैं देखा। तुम्हें पता है मैं हमेशा से सपने देखा करता हूँ कि तुम पर एक्सपेरिमेंट कैसे करूँ। हाँ डेनिस, पर आज रात मुझे अच्छा मौका मिला है। बच गए प्रभु। इसी वक्त मैं तुम्हें मार दूंगा। क्या, तो एक्सपेरिमेंट्स का क्या होगा? वैसे छोटी चीज की उम्मीद क्यों करूं मैं, जब मुझे बड़ी चीज हासिल हो रही है। गन नीचे फेंको, नहीं तो कमांडर की खोपड़ी को छलनी कर दूंगा मैं। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? यस, तुम ही वो एलियन हो जिसकी मदद से मेरी जिंदगी भर का मकसद पूरा होने वाला है। मैं तुम्हारी आधुनिक तकनीक से इस देश को एक नया सुपर पावर बनाने वाला हूँ। दुनिया के बाकी सारे देश हमारे सामने झुक जाएंगे और साथ साथ आयरन कंगारू के गुलाम बन जाएंगे सबके सब। और मैं एजेंट नेल्सन क्रो सबका सुप्रीम कमांडर बन जाऊंगा और भगवान बन जाऊंगा धरती आकाश और समुन्दर का। किसी न किसी को तो रोकना पड़ेगा हकीकत जानने के लिए। अरे मैं तो भूल ही चुका था, जबकि मैं छोटी चीज हथियाने जा रहा हूँ तो मैं यहाँ से किसी को भी जिंदा जाने नहीं दूंगा। तो फिर हम इस कमरे से बाहर कैसे जाएंगे जीनियस? हम इसे मरा हुआ छोड़ के तो नहीं जा सकते, क्यों? मुझे नहीं लग रहा हम लोग इस कमरे से बाहर जाएंगे। बेशक तुम होशियार हो। मैं सक्रो, हमारे बीच जो बातचीत हुई थी एंडी के शो में, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? तो बना रहा था। और वैसे भी बातचीत का समय भी खत्म हो गया, क्योंकि ये सब तुम्हारी वजह से स्टार्ट हुआ है डैनिस, इसलिए मैं चाहूंगा कि सबसे पहले तुम्हारी मौत हो। मैं समझता हूँ कि तुम्हें किसी और से शुरू करना चाहिए। क्या तुमने इसके बारे में अच्छी तरह से सोच लिया है? अपने भगवान को याद कर लो। इतनी जल्दी नहीं। ये सुअर की औलाद कौन है? स्टिक्स के डैड, गन फेंक दो। जॉन, मुझे लगा कि तुम मर गए थे। मरा था, लेकिन अब जीवित हो गया। मुझे किसी की गाड़ी के पीछे एक बैग के अंदर डाल दिया गया था। डैड, वो सांस नहीं ले रहा था और गाड़ी में बदबू फैला रहा था। जैसे तैसे मैंने उस बैग को काटा और यहाँ तक आ गया हूँ दोस्तों। मुझे ये गन भी बाहर मिला। तो तुम उसे फेंक दो स्टिक्स के डैड, नहीं तो मैं भून डालूंगा एनर्जी को। एक मिनट, ये तो मेरी ही गन है ना, जो मैंने वहाँ पर छोड़ दी थी क्योंकि ये काम नहीं कर रही थी। Hold on. Oopsie daisy. तुम जॉन को कैसे गोली मार सकते? अब मैं वहीं पे आ गया हूँ जहाँ से मैंने शुरू किया था। पहले तुम्हें मारूंगा। अरे इतनी जल्दी भी क्या है? तुम्हारा कौन आ धमका? मेरा नाम रॉय है और मैं हूँ ब्रिस्बेन सिटी काउंसिल से, और मैं तुम लोगों को अरेस्ट करने आया हूँ क्योंकि तुमने प्राइवेट प्रॉपर्टी को बर्बाद किया है। इसे रख लो। आज इसे शूट कराओ। आज
नीचे फेंको, नहीं तो इसे मैं ऐसा जख्म दूंगा जो पूरी जिंदगी नहीं भरेंगे। इसे कहते हैं दिमाग के अंदर गोली ठोकना। इसको मेरी की बात मत सुनना। शट अप डैडी, प्लीज अपनी गन नीचे फेंक दो वरना। नीचे फेंको वरना इसकी मैं धज्जियां उड़ा दूंगी। चिंता मत करो, तुम्हें बचा लूंगी। डैडी, आपने मुझे शूट कर दिया। अरे थोड़ा बहुत चिल्लाते क्यों नहीं हो? अरे जब तक तुम बेहोश नहीं हो जाते। कितनी बेइज्जती करो तुमने। मेरी बात सुनो एंडी, मैं तुम्हें 5 मिनट टाइम देता हूँ, स्पेस गन नीचे फेंको, नहीं तो तुम्हारे भाई का सर उड़ा दिया जाएगा, ये समझ लो तुम। सुन सकते हो? अगर सुन सकते हो तो जुबान बाहर निकालो। वन एलियट, एलियट कुछ सोचो। मैंने अपनी जीब काट ली। अपनी जुबान को अंदर कर लो, हम सबको एक ही साथ यहाँ से बाहर निकलना होगा। एक मिनट, मुझे एक और कॉल आया है, मैं तुम्हें होल्ड पे रखता हूँ। एलियट दो। हेलो, ये कौन है? एंडी, अगर तुम उसके साथ लंबी बातें करते रहो तो मैं वो गन तक पहुंच सकता हूँ। डैडी, मैं एंडी नहीं एलियट बोल रहा हूँ। मैंने अपने दिमाग का गलत इस्तेमाल किया, शायद मेरी उम्र हो गई। एलियट, तुम कहाँ हो? ठीक है, मैं वापस आ गया, थैंक्स फॉर वेटिंग। एलियट जल्दी करो, हमें छुटकारा पाना है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। और इसको धक्का दो और पीछे करो। कोई बात नहीं, क्या करूँ? चलो छोड़ो, मुझे लगता है मुझे तुम्हें भी मार देना चाहिए। लोग कहेंगे कि बहन ने भाई को मार दिया। फाइव। मैं किसी की परवाह नहीं करता। गुड बाय क्रो। वो तो मेरा हाथ है। बलून के बिना भी कोई पार्टी होती है? मेरे पिताजी को मार दिया। I'm sorry. Thank you. मैं कभी न कभी ये एहसान चुकाऊंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं। Oh my God, John! क्या ये ठीक हो जाएगा? तुम मजाक कर रही हो? छाती में 6 गोलियां लगी है, हम ठीक कर देंगे उसे। Hi, John. आप मुझे हॉस्पिटल ले जाइए। तुम्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ पाइनएप्पल की जरूरत है, उसका मैं इंतजाम करता हूँ। ओह माय गॉड, तुम्हें लगता है सब ठीक हो जाएगा? पेन चीज तो मेरे पास ही है। सब लोग तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारी आभारी हूँ। पर फिर भी तुम्हारा प्लैनेट हमें खत्म करना होगा। हमने तुम्हारी जिंदगी बचाई है बेवकूफ। अगर तुम ऐसे सोचती हो तो फिर हमें कुछ कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए। थैंक यू,
हम सिर्फ तुम्हारे ही देश को बर्बाद करेंगे और कहीं भी नहीं। पर क्यों कुछ बर्बाद करना चाहते हो? क्यों ना ये सब छोड़कर अपने घर वापस चले जाओ? हमें अपने आप पर गर्व होना चाहिए कैमेला। गलतफहमी या जो भी कुछ हुआ है, हमारी बिरादरी का अपमान हुआ है और उस चीज के लिए भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा देना मायने नहीं रखता है। मैं बिल्कुल ठीक ही कह रहा हूँ ना? क्यों कमांडर? ठीक कहा। अब तुम वापस चले जाओ अपने लाइन में, मेरे गार्ड्स तुम्हें शूट करने वाले कुछ देर में। ठीक है। एक मिनट, एक छोटी सी जगह, वो कहीं पर भी हो सकती है? हाँ, कहीं भी हो सकती है। कहीं भी दुनिया में? जो हमारे ऊपरी स्पेस से दिखती हो वो ठीक रहेगी। तो अगर तुम्हें घर वापस जाना है तो तुम्हें एक छोटी सी जगह को नष्ट करना होगा जो ऊपर से नजर आती है। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। टैस्मैनिया हमारे वर्ल्ड मैप से गायब हो चुका है और जो अफवाहें 3 दिनों से फैल रही थी वो बिल्कुल सही निकली हैं। और सैटेलाइट की तस्वीरों से ये भी पता चला है कि ये आइलैंड बिल्कुल ही गायब हो चुका है। तुम्हें नहीं लगता हम थोड़े कम देशभक्त हो गए? वो ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा तो नहीं है। Why exactly the alien visitors felt compelled to vaporize this small mountainous state at the bottom of the world is anyone's guess. But what is even more baffling is the 2-kilometer high message they left in its wake. Uranus must be like the Tasmania of planets. It's a Tassie. It's a Tassie. Taking one for the team. Hey, hey. Who wants a slice of chocolate banana pizza? Good for what ails ya? Mm-mm. Oh, everyone. Wait. This is my dad. He's an alien. Alien. Only in private, people. Only in private. Your dad is so cool. Can I borrow him for a couple of days? Absolutely. But enough about Tasmania. It's time to introduce you to the small band of heroes. Oh, this is us. Everybody, shut up. The majority of the nation. 27-year-old Andrea Gibson, whose band Titanium Turtle has just released their first album, Music from Uranus, yes! which has already sold a record number of copies online. I'll admit, having a half-alien in the band is extraordinarily awesome. I told ya. Her brother Elliot Gibson, who has now begun teaching self-help courses at schools all around Brisbane. It's then that I realised that the negative feelings in my head were affecting me more than the whipworms in my colon. Nice one, bro. Hi. I'm Naomi. I was at your seminar yesterday and I just wanted to say thank you. You've changed my entire life. It was my pleasure. Cousin to the Gibsons, Keith Flynn, seen here in an advertisement for his new martial arts program, E.T. Kondo. Fighting humans is for sissies! I'm Keith Cheapshot Flynn, winner of 6 consecutive titles, and I'm gonna show you how to bring down one of these suckers using my new signature move, the throat scrot! Yeah! Booyah! I'm gonna get another drink. Who wants a refill? John Brown, flutist for Titanium Turtle, who unfortunately was unavailable for comment at the time of this recording. Hey, yeah, where is John? Not sure. I think he said he was running late. Hey, guys. Wow. And finally, Camilla Weir, whose documentary on the alien attack, featuring personally filmed footage of the event, has become an overnight sensation. Yeah, go Cam! No more filming gigs for me, guys. Next up, Hollywood. And now, as part of our exclusive report, we'll show you some amazing footage from this small group of Australians who successfully negotiated the ceasefire between the alien invaders and our great southern land. Just a boy. She's cute, bro. Just don't blow it. Thanks, sis, but I think I got this. We're rolling.
rolling. Camera goes here. And now, step one, the removing of the pants. People think about the leg of eyes, they never think about the full style. And on your company logo, I'm a no-show, a quick in Photoshop. And I get the job, but I guess I did the isolation. And I guess I feel that way because I get away. Your best straight. You know the last one died in 1936. So I'm sorry that mate, I think you might be too late. But I guess that nothing lives forever. Well, I hope I make it on my own. I break away, yeah, 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 yeah. Lakes and clear blue skies, and if we hadn't split up, it could have been yours. So I don't know why I'm feeling so excluded. Well, I guess it's just the state I'm in. I broke away. Hey, Dad, have you seen John?